शाम के समय एक जवान लड़की के साथ इधर उधर बैठकर बातें करते हुए उसे शर्म नहीं आती? अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कौन थी वो लड़की? अरे वही अनिल मास्टर की बहन अनु। शायद उसकी खास दोस्त होगी। चाहे जो भी हो ये सब अच्छा नहीं दिखता। उससे कहो पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उसके बाद कुछ और सोचे। वो एक जवान लड़का है, पर उस लड़की को तो समझ होना चाहिए। दूसरों पर दोष मत दो, उससे पहले अपने बेटे पर ध्यान दो। मैं अपने लड़के को ठीक से जानती हूँ, वो बहुत भोला भला है। आजकल की लड़कियाँ बहुत बदमाश होती है, क्या पता इस लड़की के कारण उसे किसी और काम में मन नहीं लगता। किसकी बातें चल रही है माँ? तुम्हारे साथ जो घूमती फिरती रहती है, मैं उस अन्नू की बात कर रही हूँ। बहुत लोगों के मुंह से मैंने तुम दोनों के बारे में सुन रही थी, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। पर मैं आज इनके कहने पर आन दिखाई नहीं कर सकती। माँ आप जैसा सोच रही हो अनु वैसी नहीं है, वो अच्छी लड़की है और वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है। कौन क्या सोचता है उससे हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी मैं अनु से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? शादी? एक पैसा नहीं कमाते हो, शादी के बारे में सोच रखी है? शादी? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद ही शादी करूंगा। अच्छा, तुमने कभी सोचा है कि आगे जाकर क्या करोगे? पिताजी मैं क्या तुम ये सब करोगे? इसी के लिए तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है? माँ कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और एक दिन आप लोग मेरे इसी काम को लेकर गर्व भी करेंगे। देखो तो बहुत अच्छा है भाभी, कस्टमर को खाके अच्छा लगेगा। कस्टमर को अच्छी लगे यही अच्छी बात है। चलो देखते हैं अंजाम क्या होती है। सब कुछ अच्छा ही होगा भाभी, आप देख लेना। बाकी सदस्यों ने भी अपनी अपनी चीज लगभग बना ही ली है। हाँ, नमिता ने मुझसे कहा है कि उन्होंने भी बनाया है, और ये भी कहा है कि टाइम मिले तो हम लोग उनसे एक बार मिले। अच्छा, पर आज तो मैं जा नहीं सकूंगी, तुम्हारे भैया के दो दोस्त आने वाले हैं। एक काम करो ना, तुम ही जाके उनसे मिल के आओ। जाओ। ठीक है, मैं ही चली जाऊंगी। और भाभी आज मुझे प्रबल से भी एक बार मिलना है।
अगर घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो भैया को संभाल लेना। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना, नहीं तो तुम्हारे भैया मुझ पर गुस्सा करेंगे। हाँ मुझे पता है। अनु, प्रवल का हालचाल कैसा है? वो कुछ नया काम शुरू करने वाले थे ना, क्या उसने शुरू किया है? हाँ, गाय के फार्म के लिए उन्होंने पैसों का भी बंदोबस्त कर लिया है। चलो अच्छा है, वो अपने काम में सफल हो यही मेरी कामना है। उसका कमाई की रास्ता खोलते ही मैं तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हारे भैया से करूँगी। सच में भाभी? प्रवल एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छे घर से भी है, सिर्फ उसका इनकम का एक अच्छा जरिया मिल जाए फिर देखना, तुम्हारे भैया को इस शादी से कोई एतराज नहीं होगी। भगवान का आशीर्वाद रहा तो सब ठीक होगा। होगा, जरूर सब अच्छा ही होगा। तुम देखना, इस घर में बहुत जल्द तुम्हारी शादी की शहनाई बजेगी। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। शादी की सहनाई तो बजेगी ही, पर मेरे पसंद किए गए दूल्हे के साथ। भैया? हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम किसके साथ घूमती फिरती रहती हो। देखो अनु, तुम प्रबल को भूल जाओ, जो लड़का अभी भी अपने पिताजी की कमाई पर पल रहे हो वो तुम्हारी लायक नहीं हो सकता। सुनिए ना, आप गलत समझ रहे हैं, वो तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाला है। बिजनेस? किस चीज का बिजनेस? दूध का। दूध का? तो अब वो दूध का बिजनेस करके अपना घर चलाएगा। हाँ, और आजकल वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रबल ने दूध के उत्पादन को सिर्फ यहीं पर ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों में भी करने के लिए सोचे हैं। देखो, सपने देखना और उसे हकीकत में करना दोनों में बहुत फर्क होता है। सपने देखने से ही मन में आशा बढ़ती है और उस आशा को पूरा करने के लिए लोग अपनी सारा ताकत लगा देते हैं और सफल भी होते हैं। मुझे ये सब नहीं पता, इसे कहो उस लड़के से दूर रहे। माफ करना भैया, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। क्या? अब सुनिए ना, अनु की बात मानकर प्रवल को थोड़ा वक्त तो दीजिए। अगर अगले 2 साल में प्रवल कुछ भी नहीं कर पाई तो हम लोग अनु के लिए कोई दूसरा अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। तुम लोगों को पता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम लोगों के कहने पर मैं प्रबल को एक मौका देता हूं। अगर वो इसके लायक बन पाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे।
क्या हुआ? उन्होंने फोन क्यों रिसीव नहीं किया? शायद भैया सामने होंगे, इसलिए डर से नहीं किया होगा। अब मैं क्या करूं? आज तो अनु से मिलना बहुत जरूरी था। क्या हुआ, आज इतने चुपचाप हो? सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखो। नमिता, मैं कुछ दिनों के लिए प्रबल से नहीं मिल सकती, ये बात मुझे उससे बतानी थी, नहीं तो वो मुझे गलत समझेगा। कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा, चलो बाद में सोचते हैं। अन्नू, कहाँ जा रही हो? कमलदा, आप मिल गए, अच्छा हुआ। नमिता, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। प्रबल के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अच्छा, अन्नू तुम चिंता मत करो, मैं उसे सब कुछ कह दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। ये फूल आप लोगों ने अपने हाथों से बनाया, बहुत अच्छा बनाया। और ये अचार आप लोगों ने अपने खुद हाथों से बनाया, बहुत टेस्टी बनाया। आजकल के मार्केट में अचार का बहुत मांग है। सब लोगों का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की ऐसी लगन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों को सही दामों में बिकवाने की व्यवस्था कर सकूं। हाँ सर, हमें आपकी पूरी सहायता चाहिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने कई एनजीओ से बात की है। सर, इस बार अगर सही से सब निपट जाए तो अगले बार के लिए और भी अच्छे अच्छे आइडिया मिल जाएंगे। बिल्कुल, आप लोगों ने इतना सारा काम किया, आप लोग अपने काम में लगे रहो, मेहनत कीजिए खूब। जितना हो सके मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई कमाई कुटाई जीवन की है ये बड़ी सच्चाई। निराशा के घेरों को तोड़ के रख दो सूरज नए है दिन ये उजाले। बाहें फैला कर तुम जरा तो देखो मन की बातें जुबां पर ला कर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। प्रबल। अरे कमल, आओ। क्या हालचाल, आजकल तुम दिखते ही नहीं हो। समय ही नहीं मिलता, काम करते समय समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चलो बैठ के बात करते। चलो। तो
तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे जैसे दोस्तों की शुभकामनाएं अगर हो तो सब अच्छा होता है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बढ़िया खबर देने आया। क्या खबर? मेरी बहन की शादी तय हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और शादी के लिए मुझे 20 लीटर दही की जरूरत है, और ये जिम्मेवारी मैं तुम्हें देता हूँ। शादी कब है? अगले महीने के 12 तारीख को। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर मेरे यहाँ के लड़के दही पहुँचा देंगे। तुम्हारे यहाँ के दही का कोई जवाब नहीं, सब लोग तारीफ करते हैं, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना हो सके मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी कस्टमर को खुश रख सकूं। वही तो है, ईमानदारी से काम करने से अच्छी पहचान बनती है। हाँ? अच्छा सुनो, ये लो। ये क्या है? अरे तुम्हारा एडवांस। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, बाद में एक साथ दे देना। नहीं ये नहीं चलेगा, दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, दोनों को साथ मत लाओ। तुम बिना कमल। ठीक ही तो कहा मैंने, पैसा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, और तुम्हें भी तो अपने लड़कों का खर्चा निकालना है। कमल तुम बिना बहुत जिद्दी हो। सुनो वैसे बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है? हाँ भगवान की दुआ से सब ठीक ही चल रहा है। सोच रहा हूँ कि अगले महीने और गाय ले आऊं। अरे ये तो अच्छी खबर है। जितना जल्दी हो सके बैंक का लोन चुका दूं, उसके बाद सरकार सब्सिडी में जो ट्रैक्टर दे रहा है वो लूंगा। इसका मतलब अब खेती भी शुरू होगी। सोच तो वही रहा हूँ। बहुत अच्छी प्लान की है तुमने। अगर तुम जैसे पढ़े लिखे लड़के इसी तरह दिमाग लगाकर काम करे तो बहुत आगे जाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरी करने से इंसान आगे बढ़ सकता है, बिजनेस करके भी बेहतरीन जिंदगी जी सकता है। तुमने सही कहा। तुम अंबानी को ही ले लो, अगर वो नौकरी के पीछे दौड़ते तो क्या आज इतने बड़े कंपनी बना पाते? वही तो कहा मैंने। सुनिए ना, आजकल प्रबल खूब मन लगाकर काम कर रहे हैं, अब तो वो बहुत तरक्की भी की है। हाँ मैंने भी सुना है। मैंने सोचा ही नहीं था कि प्रबल ने इतने कम समय में इतना ज्यादा तरक्की कर लेंगे। अब तो आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं है ना? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रबल के घर वाले क्या इस रिश्ते को मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, हमारी अनुकिया दूसरे लड़की से कम है, वो दिखने में इतनी सुंदर है, वो पढ़ाई भी की है, और तो और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आजकल खुद का कमाई भी करने लगी है। वो तो सही बोला, मैं सोचा ही नहीं था इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए सरकार से मदद लेकर लोग इतनी कम समय में इतना ज्यादा तरक्की कर लेंगे। मैंने तो आपको पहले ही बोली थी। वो तो है। भाभी हमारी बनाई गई चीजों की हमें इतनी अच्छी कीमत मिलेगी, सोचा ही नहीं था। हाँ सरकार ने हमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए सुविधा दी है वो तो सच में लाजवाब है। एकदम सही भाभी, आपने देखा ना, वो अनिमा और रीमा अपने कमाई हुई पैसों से खुशी से झूम रही थी। देखा है मैंने, वो तो इसलिए भी खुश है कि अब घर चलाने में अपने पति के भी मदद कर सकते हैं। भाभी आपको पता है ना, प्रबल का बिजनेस अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ मैंने ये बात कई लोगों से सुना है, और मैं ये बात उनको भी बताई। सच? मुझे ऐसा लगता है प्रबल के तरक्की के बारे में सुनकर उनको भी शायद बहुत अच्छा लगा। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि सब कुछ सही रहे। अरे प्रबल अभी तक नहीं आया है? नहीं आया, आने वाला है। सुनिए आज खाने में क्या लेंगे? मछली और लौकी खाने का मन कर रहा है। ठीक है।
सुनिए, आजकल पता नहीं शरीर को क्या हो गया है, कुछ कहने का मन ही नहीं करता। अब बहू लाने का समय आ गया है। आजकल आपके लड़के को बात करने को भी फुर्सत नहीं है, शादी के बात करूं भी तो कैसे? लगता है वो मुझसे अब तक नाराज है, मैंने उससे बहुत भला बुरा कहा। हाँ, मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है। माँ, पिताजी, मैं अपने कमाए हुए पैसे से आप दोनों के लिए कुछ लाया हूँ। क्या है? लीजिए ना, ये आपके लिए। माँ, ये आपके लिए। देखा आपने, हमारे बेटे ने खुद की कमाई से हमारे लिए कुछ खरीद के लाया है और हम लोग सोच रहे थे वो हमसे गुस्सा है। माँ, मैं आप लोगों से क्यों गुस्सा रहूंगा? आप लोगों ने जो कुछ भी कहा मेरी भलाई के लिए कहा। देखा, हमारा बेटा हमें कितना समझता है, हा? बेटा, हम लोगों ने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है। क्या? हाँ, अब तुम दूल्हा बनने की तैयारी करो। पढ़ाई लिखाई कमाई कुटाई जीवन की है ये बड़ी सच्चाई। निराशा के घेरों को तोड़ के रख दो सूरज नए है दिन ये उजाले। बाहें फैला कर तुम जरा